अगर आप उस सब्ज़ी की खोज में हो जो बहुत इंस्टेंट बन जाए तो ये रेसिपी बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है ये इसके लिए ना ये सोयाबीन की सब्ज़ी है पर ये झोल वाली नहीं है मतलब रसेदार नहीं है सब्ज़ी ये ना ड्राई सब्जी हम बनाने वाले हैं और मेरे को ना ये पर्सनली है ना रोटी के साथ बहुत ज़्यादा सही लगती है ये रेसिपी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ आप एक बार बना के देखो है ना बहुत ज़्यादा सही बनती है तो इसके लिए आप पहले तो आपको सिंपली आपको सोयाबीन को है ना बॉयल कर लेना है और आपको तो पता ही है सोयाबीन है ना बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं इनको ना बॉयल होने में ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं है एक उबाली आती है ना ये पूरा बॉयल हो जाता है फिर इसको आपको छान के ना अब ये पीसेस के है ये वाले सोयाबीन है ना मेरे ये बहुत बड़े बड़े हैं अब इनको आपको छोटा कर लेना है पहले तो है ना अब छोटा करने से क्या होता है एक तो ईजिली खाने में आ जाते हैं और इसके अंदर जो सब्जी का जो रसा होता है ना वो उसके अंदर तक एब्जॉर्व होगा जिससे क्या होगा इसके सोयाबीन का जो खुद का पानी होता है ना वो उसका टेस्ट रहेगा ही नहीं जैसे आपने कभी सोयाबीन की सब्ज़ी खाई होगी तो आपने सोयाबीन खाया होगा ना तो उसके अंदर क्या होता है पानी पानी सा लगता है वो नहीं लगेगा बिल्कुल भी अगर आप इसको ऐसे थोड़ा कट कर लोगे ना मेरी बात समझ रहे हो गए हमें कोई पता है <laughs> है ना फिर आपको अब यहाँ पर ना सारी सब्जियों का एक मेन प्रोसेस जो होता है ना वो क्या होता है हम सब्जियों में पहले ही ना मसाले डाल देते हैं सीधे अब ये काम आप मत करा करो सीधे मसाले डालने से अच्छा है आप है ना एक मसालों का घोल बना लो उसके बाद उसे डालोगे ना काफ़ी ईजी काम हो जाएगा और क्या होगा वो सब मसाले सब में मिल जाएंगे ईजिली है ना वैसे क्या होता है कोई धनिया उधर चला गया हल्दी इधर चली गई ऐसे नहीं होगा <laughs> है ना मैं तो अब है ना यही करती हूँ हर सब्जी में जिससे क्या होता है ना बढ़िया वो अब जैसे आप उसको उसमें डालते हो ना न उसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है ना सच्ची में फिर आपको पहले तो क्या करना है फिर आपको ऑयल में गार्लिक को सॉटे करना है फिर प्याज कुछ सॉटी करना है ना अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें डाल देना है आपको टमाटर चॉप करे हुए बिल्कुल बढ़िया <laughs> फिर इसको अच्छे से मिलाओ और ये देखो ये अच्छे से भुन जाएंगे ना जब जब इसमें आपको वो वाला घोल डाल देना है जो हमने बनाया था ना वो डाल देना है अब इस सब्ज़ी में मैं आपको क्या ही बताऊँ आप सब्जी की तारीफ़ करते करते नहीं थकती मैं क्योंकि ये इंस्टेंट है ना यार अब इंस्टेंट तो रेसिपी मेरी सारी फेवरेट होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और मैं जब भी घर पे अकेली होती हूँ ना तो मैं यही बना लेती हूँ ऐसी <laughs> मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ जो इंस्टेंट बन जाए और सबसे पहले चैनल बने तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से बनता ही है मैं हर एक दिन रोज़ का एक वीडियो डालती हूँ तो उसको ज़रूर से देख लिया करो और सब्सक्राइब के जो पास आता है ना बेल आइकन का जो बना हुआ होता है <laughs> उसका आपको क्लिक करके उसको ना ऑल पे कर देना है है ना बाकी सब पे मत करना ऑल पे करोगे तभी मेरे सारे वीडियोस सारे शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे है ना अब क्या करना है आपको इसे अच्छे से सोयाबीन को डाल देना है और इसको मिला लेना है अब इसको थोड़ी सी देर पकाना है बिल्कुल थोड़ी सी देर और उसके बाद ये बन के रेडी है और बस यार अब इसे रोटी के साथ सर्व करो देखना अभी यहाँ पे फिर ये अच्छी नहीं दिखती है क्योंकि यहाँ पे क्या मैं कैमरे की फ्लैश लाइट जला के काम करती हूँ और यहाँ पे होता है कुदरती नज़ारा धूप की रोशनी के साथ में बनाती हूँ और यार देखो कितनी मस्त लग रही है ना